हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको राउंड शेप में टू कलर में डोरमेट बनाना सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही आसान है, बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आपको डिज़ाइन सीखना है तो प्लीज़ वीडियो को आप एंड तक देखिए, तब ये डिज़ाइन आपकी समझ में आएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको ये पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलते बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पायदान बनाने के लिए मैंने इसमें 9 नंबर की नीडल्स का मैंने इसमें यूज किया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास पुरानी ऊन है, पतली है, तो मैंने इसको डबल किया है। ये दो कलर से आज हम बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम इसमें फंदे डाल लेंगे। फ्रेंड्स, फंदे बिल्कुल ही सिंपल तरीके के मैं आपको बताऊंगी। आप यहाँ पे नोट भी लगा सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं। देखिए, 2 3 4 5 6 7, ध्यान से देखिए, 8 9 10। इसी तरीके से फ्रेंड्स, मैं इसमें फंदे डालूंगी। 34 फंदे पे मैं आपको बताऊंगी, 32 मैं इस कलर के डालूंगी और 2 फंदे मैं ऊपर रेड से डालूंगी। तो मैं डाल लेती हूँ, फिर हम इसमें अपना डिजाइन स्टार्ट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 34 फंदे मैंने इसमें डाल लिए हैं। अगर आपको और बड़ा बनाना है तो आप इसमें ज़्यादा फंदे डालिएगा। 2 फंदे आप दूसरे कलर से डालिए जिसका ऊपर फ्लावर बनाएंगे, लेकिन आप जोड़े के हिसाब से आप इसमें फंदे डालिएगा। अब देखिए, ये बेसिक रो है हमारी, फर्स्ट रो है, तो इसको हम ऐसे ही बनाएंगे। जो जैसे फंदे हैं वैसे ही हम उनको बना लेंगे। ये देखिए, इस साइड हम इसको क्रॉस कर लेंगे थ्रेड को, ताकि दोनों कलर हमारे आपस में ज्वाइंट हो जाए। और ये देखिए, पूरी रो में एंड तक इसी तरीके से इसको उल्टा उल्टा बनाऊंगी। देखिए, मैं इसे बना लेती हूँ नीचे तक। सेम इसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। देखिए, इसी तरीके से नीचे तक आ गई हूँ मैं इसे बनाती हुई। लास्ट वाले को भी हम बना लेंगे, पलट लेंगे। ये हमारी फ्रेंड सीधी साइड बनेगी। इस साइड से फर्स्ट वाले को तो आप ऐसे ही उतारिएगा, इसको आप कम ही बनाइएगा, नहीं तो बीच में होल बड़ा बन जाएगा। और इस साइड से आपने क्या करना है, जो जिस कलर का थ्रेड होगा आपने उसी कलर से बनाना है। तो इसी तरीके से मैं इसको ऊपर तक, यहाँ तक मैं इसको ले आऊँगी बनाती हुई। ये देखिए, ऊपर तक मैंने बना लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से इस थ्रेड को हम पीछे कर देंगे, पीछे से दूसरा थ्रेड लेके आएंगे। ये देखिए, और ऐसे हम, ये देखिए, ऐसे क्रॉस कर लेंगे और ये हम आगे रेड से बना लेंगे। किनारे का फंदा आप हर बार ऐसे सीधा बनाइए। ये देखिए, ये हमने बेसिक रो बना ली है। अब हम अपना इसमें डिजाइन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट वाले को इस साइड से ऐसे उतार लेंगे। ये 2 हैं, 2 फंदे हम इसमें और ऐड कर लेंगे। ये रेड फंदे हमारे अंदर की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए, इस रो को मैं इसी तरीके से बनाती हुई नीचे तक बनाऊंगी। ये देखिए, नीचे की साइड पे 2 फंदे हम बिना बने छोड़ देंगे, पलट लेंगे। इस साइड से जो जैसा है वैसा ही हम बनाएंगे। उल्टा उल्टा बनाती हुई मैं इस रो को ऊपर तक लेके जाऊंगी। ये देखिए, ऊपर तक आ गई हूँ मैं। ये मैंने ब्लू से बना लिए। थ्रेड को पीछे करेंगे, पीछे से रेड आगे लेके आएंगे। पहले हमारे 2 फंदे थे, अब हमारे 4 हैं, तो मैं ये रेड से बना दूंगी। किनारे वाले को हम सीधा बनाएंगे। ये देखिए, ये रेड हमारा अंदर की तरफ आएगा और पीछे हमने 2-2 फंदे छोड़ने हैं। एक बार और देख लीजिए, फिर मैं इसको थोड़ा सा आपको बना के दिखाऊंगी। ये देखिए, 2 हमारे पहले थे, 2 हमने पिछली बार इसमें ऐड कर लिए थे, अंदर की तरफ बढ़ेंगे, 2 हमने इसमें और ऐड कर लिए। बिल्कुल बीच सेंटर तक आ जाएंगे और इसी तरीके से मैं नीचे तक जाऊंगी बनाती हुई।
ये देखिए दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे और मुड़ जाएंगे। ये पीछे दो दो फंदे हम छोड़ेंगे और ये दो दो फंदे हम बढ़ेंगे, बिल्कुल बीच सेंटर तक आ जाएंगे। तब तक मैं इसको बना लेती हूँ। इस साइड से फ्लावर यहाँ पे आ जाएगा, इस साइड से दो दो फंदे हम छोड़ देंगे। इसी तरीके से आपने बनाना है। मैं इसको बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊँ। ये देखिए ये हमारा फ्लावर अंदर की तरफ यहाँ तक आ गया है फ्रेंड्स। और यहाँ तक देखिए आप देख सकते हो हमारे दो दो फंदे हमने सारे ही छोड़ दिए हैं। आप देखिए दस कली में बन के फ्रेंड्स ये आपका कंप्लीट होगा, बिल्कुल भी इसमें झोल नहीं आएगा। इसी तरीके से आप इसे बनाइएगा। ये देखिए दो फंदे हम और इसमें ये ऐड कर लेंगे। और ये जो आगे के फंदे फ्रेंड्स हमने दो दो करके छोड़ रखे हैं, इस रो में हम ये एक बार सारे ही बना लेंगे। देखिए बहुत सुंदर फ्लावर की गोलाई आएगी। कलर आप कोई भी अपने पसंद से इसमें लगाइएगा। देखिए राइट साइड से जो जैसा है मैं वैसा ही इसको बना के और इस रो को मैं कंप्लीट करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आपकी यहाँ पे किनारे की शेप बनेगी। अब ये देखिए हमारी ये हाफ गली और हाफ हमारा ये फ्लावर बन गया है। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम ये अंदर की तरफ गए थे, अब ये ब्लू कलर हमारा ऊपर की तरफ आएगा, ये फंदे हमारे कम होते आ जाएंगे। ये अब फ्लावर ऐसे गया है तो अब ये हमारा ऊपर की तरफ आएगा। तो देखिए इसी तरह एक बार अंदर जाएगा ये, एक बार बाहर की तरफ आएगा। अंदर की कली ऐसे ही बनती चली जाएगी, पीछे दो दो फंदे आप इसी तरीके से छोड़ते जाइए। ये देखिए ध्यान से देखिए अभी दो फंदे ये हम ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे और आगे फिर से हम नीचे से दो दो फंदा छोड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने अंदर की फ्लावर की गोलाई बनानी है। ये देखिए एंड में दो फंदे हम छोड़ देंगे और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। राइट साइड से जो जैसा है मैं वैसा ही बना के इस रो को कंप्लीट करूँगा। ये देखिए ऊपर तक मैंने ये बना लिया है। ये देखिए हमारा फ्लावर ऊपर की तरफ आ गया है। एक बार और देखिए फिर मैं इसको कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। दो दो फंदे हम ऊपर की तरफ आएंगे, बिल्कुल मेरे यहाँ पे ऊपर दो फंदे बच जाएंगे रेड कलर के। तब तक मैं इसको इसी तरीके से बनाऊंगी। कोई भी फ्रेंड्स आपकी में अगर ऐसे गांठ वगैरह आ जाए तो आप उसको इस बैक साइड में ही आप उसको रखिएगा। ये देखिए रेड के आपने दो फंदे हर बार, जैसे मेरे पास रेड और ब्लू है तो मैं ब्लू में ऐसे कन्वर्ट कर दूंगी। ये देखिए और लास्ट में फिर से दो फंदे मैं छोड़ दूंगी। जब तक हम ऊपर तक जाएंगे जितने भी आपने फ्रेंड्स फंदे डाले हैं आप इसी तरीके से पीछे दो दो फंदे आप छोड़ते ऊपर की तरफ आइएगा। ये देखिए दो फंदे फिर से छोड़ दिए मैंने। इस फ्लावर को हम ऊपर तक लेके जाएंगे, पीछे दो दो फंदे हम छोड़ देंगे। तो मैं इसको यहाँ तक बना लेती हूँ जब मेरे दो फंदे बच जाएंगे, उसके बाद फिर मैं आपको आगे का बताऊँगी। ये देखिए ऊपर की तरफ हमारा फ्लावर ये आ गया है। ऊपर देखिए मेरे चार फंदे बचे हुए हैं, तो दो तो हम ये ऐसे ही इसमें रखेंगे। तो स्टार्टिंग में हमने दो फंदे डाले थे,
क्योंकि कली और फ्लावर हमारा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए दो फंदे भी मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिए हैं। और जो नीचे तक हम दो दो फंदे छोड़ते आए थे फ्रेंड्स, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए यहाँ तक हमने अपने फंदे ये छोड़ रखे हैं, ये देखिए। तो अब ये नीचे तक मैं ये सारे फंदे बना दूंगी, क्योंकि ऊपर की हमारी कली कंप्लीट हो गई है। अब हम अगली कली की स्टार्टिंग करेंगे, तो एक बार हम इनको नीचे तक बना देंगे। ये देखिए इसको आप एक साइड से बनाइएगा और एक साइड से आप इसको ऐसे ही बिना बना उतार लीजिए, और ये पूरी रो में इसी तरीके से उल्टा बनाती हुई जो जिस कलर का है इसको ऊपर तक मैं बना लूँगी। ये देखिए क्रॉस कर लेंगे, एक हम उल्टा बनाएंगे, दो ही फंदे हैं, इसको हम सीधा बना देंगे। ये देखिए फिर बहुत ही सुंदर इसकी फिनिशिंग आएगी। अब देखिए, अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो पहली फर्स्ट कली है ये हमारी हाफ है। जब ये पूरा फ्लावर बन जाएगा, जब आपकी दसवीं कली आएगी तो वो इसी तरीके से हाफ आएगी, तो आप यहाँ पे आएगी तो वो हमारी पूरी ये कली कंप्लीट हो जाएगी। ये कली हमारी हाफ बनी है, देखिए जब ये अब की बार ये फ्लावर अंदर जाएगा तो ये हमारी कली पूरी हो जाएगी। इसी तरीके से आपने इसको बनाना है, 10 कली बनेंगी फ्रेंड्स। बिल्कुल जब अपने आप ये इस साइड में आके यहाँ पे बिल्कुल गोलाई आ जाएगी तभी आपने इसको बंद करना है, नहीं तो ज़बरदस्ती आप अगर 8 कली में या 6 कली में आप इसको ऐसे करोगे तो इसमें झोल पड़ जाएगा। ये देखिए दो फंदे हमने और इसमें कन्वर्ट कर लिए हैं। फिर से हम फ्लावर को नीचे की तरफ लेके आएंगे, एक बार हम इसको नीचे लेके आएंगे, एक बार हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, और लास्ट में दो फंदे हम छोड़ देंगे। इसी तरीके से आपने इसको बनाना है, बहुत सुंदर ये बनके कंप्लीट होगा। बिल्कुल भी इसके किनारे नहीं मुड़ेंगे, इसमें झोल नहीं पड़ेगा। ये देखिए दो फंदे हम लास्ट में छोड़ देंगे और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। जब हम बीच तक आ जाएंगे दो दो छोड़ते हुए, ये फ्लावर अंदर की तरफ आ जाएगा, तो फिर हम ये सारे फंदे फिर से बना लेंगे और फ्लावर को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, जैसे हमने ये बनाया था। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आपने इसको बनाना है और कंप्लीट करना है। बहुत ही सुंदर इसका डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।